तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी जानब से तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। तो एक मरतबा फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल अपडेटेड पॉइंट्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि यार जो UAF है उसकी मेरिट लिस्ट लगनी थी, तो भाई मेरिट लिस्ट जो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलते हैं भाई, चेक करते हैं कि कितनी है जो मुकम्मल अपलोड हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो भाई आपके पास जो भी ब्राउज़र है, चाहे वो क्रोम है या जो भी ब्राउज़र है आपके पास, तो आपने वहाँ पर जाकर टाइप करना है UAF। तो UAF जब आप टाइप करेंगे, तो मैंने तो भाई ऑलरेडी इसकी सर्च की हुई है, इस वजह से जो मेरे पास मुकम्मल तौर पर आ रहा है, तो मैं UAF से स्टार्ट करूँगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है स्किप ना हो, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि भाई चेक कैसे करनी है। तो ये ऐसा इंटरफेस होगा, टॉप पे आपको नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इस पर कर देंगे क्लिक। तो इस पर क्लिक करेंगे तो भाई कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा जूम कर लेना है। अगर आप PC पे यूज़ कर रहे हैं तो भाई कोई जूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर नज़र आ रहा है एडमिशन, इस पर आप कर देंगे क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ से हम चले जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से चले जाते हैं अंडर ग्रेजुएट में। तो ये भाई आपके सामने चौथी मेरिट लिस्ट जो है, ये आपके सामने इंटरफेस इसका आ रहा है आपके सामने, तमाम दोस्तों के सामने। तो भाई ये जो चौथी मेरिट लिस्ट है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर अपलोड नहीं हुई। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप बोलेंगे यार हमने तो की है लेकिन हमें नज़र नहीं आई, तो भाई नज़र आपको आनी चाहिए। ये आपके सामने है भाई फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है लिखा, टाइप किया हुआ है और उसके बाद ये कुछ अपडेट हो चुकी है वो आपके सामने है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जो है डी फार्म को ओपन कर लेते हैं, ये सेकंड पे खड़ा है, तो सॉरी थर्ड पे, थर्ड वाले को चलो ओपन कर लेते हैं। तो ये फाइल डाउनलोड हुई और ये अभी ओपन होगी आप। तो कुछ इसमें से होती हैं जो PDF में प्रोवाइड की गई होती हैं और कुछ जो होती हैं वो MS ऑफिस में भी प्रोवाइड की है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर कोई फाइल आपके पास एरर दे रही है तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल या PC में MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेना, तब जाके ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये मैंने डाउनलोड होकर मेरे पास आ चुकी है भाई। तो ये है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होकर, आपने अपना नाम यहाँ से फाइंड कर लेना है भाई। तो ये हो गया, यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है अपलोड हो रही है। तो ये भाई और भी मज़ीद जैसे ही मुकम्मल तौर पर अपलोड हो जाएगी तो हम इसका जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद है तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर भी अगर किसी किस्म की कोई आपको टेंशन होती है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में जो हमसे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी हुआ हम आपको रिस्पांस करेंगे। हमारी कोशिश तो यही होती है कि यार हम हर बंदे को रिस्पांस करें, लेकिन हर बंदे के सवाल का जवाब भी हम नहीं दे सकते भाई, सीधी सी बात है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है हम वही सिर्फ आप तक आपके साथ शेयर कर सकते हैं भाई, इससे अभाव हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी होती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम आप उसके साथ शेयर कर देते हैं, और अदरवाइज़ जो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन हमसे करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम आपका उसका रिप्लाई करें। लेकिन अब अगर काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ जाते हैं तो एक साथ भाई हम उनका रिप्लाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है तमाम दोस्तों को वीडियो ये पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।